भारतीय चिंतन और कला, संगीत और शिक्षक ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में जिनका नाम बहुत ऊंचा चमकता है वो हैं श्री रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव जी, क्योंकि उनका सारा जीवन जो है वो बहुमुखी प्रतिभा के आदमी हैं, एक क्षेत्र में नहीं है। अब उनका जो काव्य है, उनके जो गीत लिखे हुए हैं, टैगोर ने कोई फिलॉसफी की किताब नहीं लिखी, इस लिहाज से कोई फिलॉसफी का ग्रंथ लिखा हो तो हम उसको फिलॉसफर माने। उनकी कविता में और उनके गीतों में सारी फिलॉसफी है, और उन कविताओं से फिलॉसफी निकालनी पड़ती है कि कविता में क्या लिखा, उस कविता का अर्थ क्या था, उसका भाव क्या था, उस भाव से गीत लिखे उन्होंने। ऐसे ही कला के क्षेत्र में भी उनका ऐसा था कि जो कला उन्होंने, बहुत उच्च कोटि के कलाकार माने जाते हैं, वो छोटे मोटे कलाकार नहीं हैं, उनकी एक एक कलाकृति कई कई हज़ार रुपए की मूल्य की रही है। उस ज़माने में कई हज़ार रुपए का मूल्य मतलब आज के लाखों रुपए के बराबर होता, तो उनकी कलाकृतियाँ, लेकिन सब कलाकृतियों में एक दर्शन चमकता है। वो कला को केवल विलासता का साधन नहीं समझते थे, या इसलिए ये नहीं समझते थे कि हमारी बुद्धि को प्रसन्नता करने वाली है, बल्कि उस कला के माध्यम से एक दर्शन होता था। उस दर्शन को निकालना उस कला में से, ये लोगों ने, विद्वानों ने देखा कि ये कला नहीं है, ये तो बड़ा भारी दर्शन है। इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका ऐसा है कि उन्होंने सारे जितने भी, अब संसार के अंदर एक ऐसा वाद चला कि विश्वव्यापी शिक्षा होनी चाहिए, ऐसी शिक्षा जिसके सारे विश्व को लाभ हो। ये द्वितीय महायुद्ध के बाद यूएनओ जब बनी, उसके बाद वहाँ यूएनएस्को बना और तभी आया। लेकिन टैगोर जो थे वो बहुत दूरदृष्टि रखते थे, उन्होंने 1901 में ही जो विश्व भारती बनाई उसके अंदर स्वतंत्रता भी थी, स्वावलंबन भी था, ऊंचे चिंतन भी थे, वैल्यू शिक्षा भी थी, सौंदर्य बोध भी था, और प्रकृति की का प्रेम भी था उसमें। तो उन्होंने 1901 में वो आदर्श शिक्षा बना करके रख दी जो आज संसार में यूएनओ यूएनएस्को के द्वारा हो रही है कि ऐसी ग्लोबल शिक्षा संसार के अंदर होनी चाहिए। तो उनका हर क्षेत्र एक आदर्श रखने वाला क्षेत्र है, जो भी क्षेत्र उन्होंने लिया। 1861 में उनका जन्म हुआ था, तो उनके पिताजी जो थे वो समाज सुधारक थे, एक बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने चलाया, उसका नाम था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज ने हिंदू समाज की कुरीतियों पर बड़ा प्रहार किया, ऐसी कुरीतियाँ जो छोटा छोटा तंग नजरी और कर्मकांड के बंधन में बांध देती हैं आदमी को, उनको सबका विरोध करके ब्रह्मो समाज वालों ने एक नया दृष्टिकोण संसार को दिया। हालांकि पहले दयानंद जी भी ये कर चुके थे, राममोहन राय ने भी कुछ कुरीतियाँ ख़त्म की थी, ख़ास तौर से सती प्रथा बंद की थी उन्होंने। ब्रह्मो समाज वाले भी सती प्रथा के बंद कराने में बहुत आगे रहे, अग्रगण्य रहे, और सती प्रथा हमेशा के लिए बंद हो गई। अब तो भारत सरकार ने उसी को लेकर के कर दिया कि सती की पूजा भी बंद कर दी जो सती हुई है। तो ये एक आदर्श चलाया था उनके पिताजी ने, बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। तो शुरू में रविंद्रनाथ जी अपने पिता की विचारधारा से प्रभावित रहे, वो ब्रह्म समाज के ही भाग एक वो रहे। दर्शन के लिहाज से उन्होंने जो ब्रह्म समाज का दर्शन था, जिसमें उपनिषदों को लेकर के, शुद्ध उपनिषदों को लेकर के, और उनमें जो ऐसे विचार थे जो ज्ञानात्मक विचार थे, जो आत्मा को ऊंचाई की तरफ लेने वाले विचार थे, उनको सामने ला करके कर्मकांड का और पाखंडवाद का बड़ा खंडन किया। तो टैगोर ने अपने पिता से यही सीखा,
उपनिषद का सारा ज्ञान, उपनिषद की सारी दर्शन फिलॉसफी, उपनिषद में ब्रह्म का क्या रूप है, और ख़ास तौर से जो प्रभावित करने वाली बात थी टैगोर को थी ब्रह्म और जीव की एकता। ये मनुष्य जो है किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है, ये मनुष्य जो है खिलौना नहीं है, ये मनुष्य एक स्वतंत्र प्राणी है, और ये अपनी स्वतंत्रता को जब विकसित करता है तो ये ब्रह्म बन जाता है, परम स्वतंत्र बन जाता है, ये परम पुरुष बन जाता है ये मनुष्य। इसलिए मानव की महानता को उन्होंने सामने ला कर रखा, मानव को केवल एक शुद्ध मानव मत समझो बल्कि उसको पोटेंशियल ब्रह्म समझो। उनके पिताजी ने यही उनको कहा कि मूर्ति पूजा हो, कर्मकांड हो, पाखंडवाद हो, इन सब का निराकरण करके शुद्ध ब्रह्म की आराधना करो। तो दर्शन का प्रभाव, उपनिषदों का प्रभाव उनके पिता के माध्यम से आया, लेकिन बाद में रविंद्रनाथ जी ने देखा कि जो ब्रह्म समाज था खुद भी एक छोटा संप्रदाय बन के रह गया, और जब वो संप्रदाय बन जाता है तो संप्रदाय के पाखंड उस संप्रदाय के, अब किसी संप्रदाय ने अगर ये कर दिया कि जी माथे पर लाल तिलक लगाओ, किसी ने कह दिया जी आप इस तरह के वस्त्र पहनो, तो वो फिर आदमी की स्वतंत्रता ख़त्म हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि पाखंडवाद जब हम तोड़ रहे हैं और ब्रह्म को हम परम स्वतंत्र मान रहे हैं सारे के सारे, तो ये जो हम मर्यादाएं लगा रहे हैं ये मर्यादा भी नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने अपने स्वतंत्रता के कारण से, और उन्होंने अपने उसमें लिखा भी है कि हे प्रभु मुझे ऐसे जगत में ले चल जहाँ बिल्कुल स्वतंत्रता हो, मन स्वतंत्र हो, बुद्धि स्वतंत्र हो, आत्मा स्वतंत्र हो। ये उनकी आकांक्षा जो उपनिषद से आई थी उसके कारण से ही उन्होंने उपनिषद का विचार करने वाले भी जो थे जब सांप्रदायिक बन गए या छोटा सा एक संप्रदाय खड़ा कर लिया तो वो ब्रह्म समाज से अलग हो गए। उन्होंने अपना स्वतंत्र चिंतन आरम्भ किया और उस स्वतंत्र चिंतन में उन्होंने सब क्षेत्रों में अपना योगदान दिया। सबसे पहले उनके पिताजी ने पढ़ाना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि संस्कृत और बंगला पढ़ो। अंग्रेज़ी का पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि विश्व के अंदर आपको लोगों के साथ आदान प्रदान करना है, लेकिन अंग्रेज़ी हमारे जीवन का कभी भी विकास नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने इनको रविन्द्रनाथ को संस्कृत और बंगला की शिक्षा देने शुरू की, और उसके साथ साथ ही काव्य और संगीत। अब ये स्कूल के अंदर गए, स्कूल के अंदर सारा वातावरण ही अंग्रेज़ी का था, अंग्रेज़ों के ज़माने तो सारी शिक्षा ही अंग्रेज़ी में, बातचीत भी अंग्रेज़ी में कर सकते थे। वहाँ कहीं अपनी भाषा के लिए कोई प्रेम ही नहीं था, स्वतंत्रता ही नहीं थी, न अपनी भाषा का कोई सम्मान था, न संस्कृत का सम्मान था, न बंगला का सम्मान था। जबकि पिताजी इनके संस्कृत चाहते थे, बंगला चाहते थे, टैगोर के अंदर वो भाव भरा हुआ था, तो टैगोर ने स्कूल छोड़ दिया। और घर में ही उनके, क्योंकि पिता बड़े संपन्न थे, बहुत संपन्न परिवार था, इसलिए पिताजी ने अलग अलग टीचर बना करके इनके, ये संस्कृत का टीचर घर में ही पढ़ाने आएगा, ये बंगला पढ़ाने आएगा, ये अंग्रेज़ी पढ़ाने आएगा। इसके साथ साथ जिसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं उनको हम कहते हैं टैलेंट सर्च। तो उस टैलेंट को निखारने के लिए उनके पिताजी ने क्या किया, एक संगीत सिखाने वाला आदमी आएगा, बहुत बड़ा टीचर, और एक कला सिखाने वाला आदमी आएगा। तो कला में, संगीत में, बंगला भाषा में निपुणता प्राप्त की इन्होंने, और इन सब क्षेत्रों में अपना इतना भारी प्रभाव छोड़ा जिस प्रभाव को आज तक कोई अद्वितीय उनके मुकाबले में नहीं आ सकता। अब संगीत में तो उनका बहुत ऊंचा स्थान है, जो गीत उन्होंने लिखे उन गीतों का संग्रह बना गीतांजलि, गीतों की अंजलि, बंगला में है वो मूल। तो उसका जो पहला गीत का जो सबसे पहला गीत लिखा, उस सबसे पहले गीत का पहला वाक्य जो था, पहला जिसको कहते हैं, उसका वाक्य का अनुवाद किया गया हिंदी में
इतना गहरा अनुवाद किया गया है कि एक वाक्य से ही सारी फिलॉसफी निकल जाती है। ओरिजिनल वाक्य तो बंगाली में है लेकिन हिंदी में उसका अनुभव किया गया है, ये गर्व भरा मस्तक मेरा प्रभु चरण धूल में झुकने दे। अहंकार का बिल्कुल नाश करके आदमी के, और उन्होंने कहा कि सबसे पहला काम ये करो कि मेरा जो मस्तक है वो कला के क्षेत्र में भी अहंकार है कि मेरी कला इतनी प्रतिष्ठित है कि इसको देखने के लिए विदेश से भी लोग आ रहे हैं, अंग्रेज़ तो इसको देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं, मेरी कविता इतनी ऊंची है कि इस कविता के कारण से, तो मुझे इस सब का अहंकार ना हो जाए कहीं। इसलिए जब गीतांजलि लिखनी शुरू की तो पहला वाक्य, पहले गीत का पहला वाक्य ये है। उस वाक्य का हिंदी में अनुवाद आज सारे भारतवर्ष में प्रचलित है, जगह जगह जहाँ लोग भजनीक हैं और भजन गाने वाले हैं और अच्छे भजन गाने वाले हैं उच्च कोटि के, वो टैगोर के इस गीत को बड़ी श्रद्धा के साथ गाते हैं। ये गर्व भरा मस्तक मेरा प्रभु चरण धूल में झुकने दे, इतनी विनम्रता, इतनी ऊंचाई होते हुए इतनी विनम्रता, तो सारी जो गीतांजलि है उस गीतांजलि में यही भाव आया है सारा का सारा कि मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण अहंकार है। टैगोर ने कहा कि मनुष्य कितना ही ऊंचा चला जाए लेकिन जब उसके अंदर अहंकार आ जाएगा तो तभी उसका पतन हो जाएगा। वो भगवान की प्रार्थना कर रहा है और भगवान की प्रार्थना से वही वैष्णव, तो जहाँ पिता की तरफ से उपनिषदों का प्रभाव आया वहाँ वैष्णव और गीतों के द्वारा से ये वैष्णव प्रभाव आया भक्ति और समर्पण का, वैष्णव प्रभाव इनके ऊपर, वैष्णव दर्शन का, क्योंकि बंगाल में चैतन्य महाप्रभु के द्वारा वैष्णव दर्शन बहुत फैलाया गया था और वैष्णव दर्शन का बहुत ज़्यादा प्रचार हो रहा था, तो टैगोर भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। और टैगोर ने वो जो वैष्णव दर्शन था, जिस वैष्णव धर्म दर्शन में भगवान की भक्ति इस रूप में मानी गई थी प्रपत्ति के रूप में, प्रपत्ति का मतलब यह था कि जब तू भगवान के आगे पूरा समर्पित कर देगा अपने आप को तभी तेरे जीवन में आत्मा का उत्थान होगा, जब तक समर्पण भाव नहीं आता तब तक, जब तक अहंकार रहेगा। टैगोर उसी भावना को मानते थे जो भक्ति कवियों ने कहा है, भक्ति के कवि जो थे नारद भक्ति सूत्र से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे टैगोर, और नारद भक्ति सूत्र के एक वाक्य से उन्होंने अपने जीवन में, सारे जीवन में बस बड़ी प्रेरणा ली। नारद भक्ति सूत्र कहता है कि जब तेरा मन जो है उसके अंदर, तेरा घड़ा मन का उसके अंदर अहंकार भरा हुआ है तो तू समुद्र में भी चला जाए, तालाब में भी चला जाए, उस घड़े के अंदर जल नहीं आ सकता। इसलिए क्या कर, तू उस घड़े को खाली कर दे, रिक्त हो जा, और जैसे ही तू रिक्त हो जाएगा, जैसे ही तू अपना अहंकार बिल्कुल त्याग करके ये कर देगा मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो चारों तरफ से सागर का बल अपने आप, सागर का जल अपने आप आएगा घड़े को भरने के लिए। तो ईश्वर की कृपा, ईश्वर का जो अनुकंपा है उसको अगर प्राप्त करना है तो पहले अपने मन के घड़े को खाली कर ले। ये उन्होंने गीतांजलि में कई जगह लिखा है, ये सारा वैष्णव धर्म से आया, वैष्णव धर्म में भी नारद भक्ति सूत्र से दोनों आया, और वैष्णव धर्म का जो प्रचार था यानी चैतन्य महाप्रभु वाला प्रचार, उसको उन अपने जीवन में ग्रहण किया टैगोर ने। उसके साथ साथ उन पर और भी प्रभाव आए, जब यह भारतवर्ष में उन्होंने सारी शिक्षाएं, स्कूल में जाकर शिक्षा प्राप्त नहीं की उन्होंने, उनके घर में ही टीचर आते थे क्योंकि पिता बहुत संपन्न थे, इसलिए बड़े बड़े उच्च कोटि के टीचर उन्होंने रखे हुए थे, और उन सारे टीचर्स को, उन सारी शिक्षा को लेकर के जब वो इंग्लैंड में गए तो इंग्लैंड में भी जब उनका एडमिशन हुआ स्कूल में तो वहाँ भी उन्होंने देखा कि वातावरण बड़ा दिखावे का ज़्यादा है, सोफिस्टिकेशन कहते थे उसको, यानी सभ्यता, हमारा सभ्य विचार है, तो सभ्यता में होता था कि टाई ऐसे लगाओ और ऐसे करो, कपड़ा ऐसा पहनो, उसके अंदर शिकन होने चाहिए, इधर को शिकन हो, तो टैगोर ने कहा कि सब दिखावा, पाखंडवाद से आत्मा का, इसलिए उन्होंने इंग्लैंड का स्कूल भी छोड़ दिया। कभी टैगोर स्कूली शिक्षा में नहीं गए, स्कूल में नहीं पढ़े, उन्होंने अपने आप ही शिक्षा प्राप्त की, और उन्होंने कहा कि ये जो दूसरों को सभ्यता सिखाने जा रहे हैं
जो कह रहे हैं हम सोफिस्टिकेशन सिखाएंगे दुनिया को अंदर, ये तो पाखंड के शिकार हैं खुद भी और उनमें बड़े बंधे हुए हैं इनसे, और मुझे चाहिए वो स्वतंत्रता जो मानव को ब्रह्म तक ले जाए। मेरा जीवन दर्शन ये है कि मानव जो है ऊंचाई तक उठते 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 उठते, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि इंग्लैंड के अंदर उस समय एक नई क्रांति पैदा हो रही थी और वो क्रांति थी मानववाद। ये जो धर्म का शिकंजा था जिसने मानव को कर लिया था, जिसके खिलाफ आवाज़ें उठ रही थीं, रोमांटिक रिएक्शन हो रहा था, मनुष्य को मानव बना कर के रहो। टैगोर ने वहाँ भी इंग्लैंड में कहा कि हमारे वेद कहते हैं मनुर्भव, मानवता को प्राप्त करो, और तुमने मानव को कठपुतली बना दिया भगवान की, तुमने उसके हाथ का खिलौना बना दिया भगवान को। मानव किसी के हाथ का खिलौना नहीं है, मानव अपना स्थान तय करने वाला, अपनी ऊंचाई तक उठने वाला स्वतंत्र प्राणी है। तो इस तरह से ह्यूमनिज्म जो वहाँ आ रहा था, मानवतावाद, उसकी झलक बहुत दिखाई देती है इनकी कविताओं में और गीतों में। अब कई जगह इन्होंने इस बात को किया मानवता को दिखाने के लिए। एक आदमी को इन्होंने पकड़ लिया अपनी कविता में, ऐसे नहीं पकड़ा सड़क पर नहीं पकड़ा बल्कि कविता में पकड़ लिया इन्होंने। कविता में पकड़ा एक आदमी को कि तू जो यहाँ पूजा पाठ करने के लिए आ रहा है, कितने दिन से तू पूजा कर रहा है? उसने कहा 40 साल हो गए, हर रोज़ दूध चढ़ाने आता हूँ। टैगोर ने उससे कहा कि तू 40 साल से दूध चढ़ा रहा है, लेकिन आज तक तुझे दर्शन नहीं हुए ब्रह्म के, जिस ब्रह्म पर, जिस शंकर पर तू। तो उसने कहा हाँ अभी दर्शन तो नहीं है। उसने कहा जड़ को चैतन्य बनाना बड़ा संभव नहीं है, किसी तरह से भी असंभव है। ये सारा जगत वैसे तो ब्रह्म का ही स्वरूप है, लेकिन जड़ ब्रह्म, चैतन्य ब्रह्म, जागृत ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म, तो एक एक स्टेज में देख के ये जो जड़ ब्रह्म है इसको तू 40 साल में चेतना नहीं ला सका, और मैं तुझे अभी 1 घंटे के अंदर ही भगवान के दर्शन करा दूंगा, चेतना के दर्शन। तो बड़ा आश्चर्य में हो गया वो आदमी। तो टैगोर उसको ले गए, कहते कल जब दूध लाए तो मेरे साथ चलना, और एक झोंपड़ी में ले गए जिस झोंपड़ी के अंदर एक बच्चा तरस रहा था पानी और दूध के लिए। उसकी माँ कई बार आटा घोल करके उसको पिला देती थी दूध समझ करके, और बच्चा चुप हो जाता था। तो ऐसी जगह ले गए उसको, कहते आज ये दूध ये भगवान शंकर पर ना चढ़ा, आज इस बच्चे के मुंह में डाल दे तू दूध। तो जैसे ही उस भक्त ने बच्चे के मुंह में दूध डाला, बच्चे को कभी दूध मिला नहीं था, उस बच्चे के मुख पर बड़ी प्रसन्नता आ गई, एक तेज झलकने लगा। टैगोर कहने लगा आज तुझे ब्रह्म का तेज दिखाई दे रहा है, मानव की पूजा कर, मानव में चेतना दिखाई देगी, यही तो ब्रह्म का रूप है। ये मानव जो है ये ब्रह्म का ही रूप है, अगर तू इसमें चेतना, इस पर चढ़ा दे दूध, तो तुझे आज दर्शन हो गए ब्रह्म के। तो मानवतावाद का प्रभाव बहुत ज़्यादा टैगोर की कविताओं में है, और भी कई जगह ऐसी कविता लिखी हैं। एक महिला है वो सड़क पर बैठी हुई पत्थर तोड़ रही है, धूप बहुत पड़ रही है, उसने अपनी चुनरी उतार करके और उस चुनरी का पालना बना करके एक पेड़ में बना दिया है और अपने बच्चे को उसमें डाल दिया है। वो बच्चा वहाँ पेड़ के अंदर झूल रहा है, वो उसके शेर पर, उस महिला के शेर पर, सिर पर चुन्नी भी नहीं है, ढक्कन भी नहीं है, इतनी धूप में बैठी हुई पत्थर तोड़ रही है। टैगोर अपनी एक कविता में, यहाँ भी आदमी को ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं ले जाते, सड़क से पकड़ के ले गए, कविता में पकड़ते हैं। एक आदमी को कहते हैं कि तुम जो इंसेंस बर्निंग कर रहे हो, अगर बत्तियाँ जलाते हो, बड़ी खुशबूदार अगर बत्ती जिससे तुम्हारा घर महक जाए, बड़ी महंगी लाते हो तुम तो बाज़ार से खरीद के। उन्होंने कहा हाँ जी बड़ी महंगी मिलती है, नकली अगर बत्तियाँ तो मिल जाती हैं जिनमें सुगंधी नहीं होती, और ये सुगंधी। उसने कहा कि आज मैं ऐसी अगर बत्ती, ऐसा इंसेंस तुम्हें दिखाऊंगा जिसमें 1 पैसा भी नहीं लगता। तो वो बड़ा आश्चर्य में हो गया। तो टैगोर उसको पकड़ करके ले गए। वो जो औरत जो वहाँ बैठी हुई थी उसके लिए उन्होंने बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग किया, पसीना नहीं कहा, इसके माथे पर पसीना आ रहा है, उन्होंने कहा श्रम बिंदु, श्रम करते करते इसके माथे पर बिंदु आ गए हैं, ये पसीना नहीं है, श्रम बिंदु है।
बड़े कीमती हैं ये, अपने बच्चे का पेट भरने के लिए, अपने बच्चे का पालन करने के लिए और अपने बच्चे को सुख देने के लिए इसने अपना सुख त्याग दिया है। इसने अपने दुपट्टे के अंदर उस बच्चे को लटकाया है और ये धूप के अंदर पत्थर टोक रही है। अब जा कर के इससे कहो कि बहन जी ज़रा अपना सर ऊपर को उठाओ, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। तो कहने लगी महिला कि मैं पत्थर तोड़ रही हूँ, मुझे मजदूरी आज करनी है, बच्चे का सारा अपने और गृहस्थी। उन्होंने कहा मैं थोड़ी देर के लिए, टैगोर ने कहा कि ये तुम्हें देखना चाहता है, तुम दिखाओ सपने वो। तो उसने मुंह उठाया, वो जो इंसेंस बर्निंग, वो जो माथे पर श्रम बंधु थे, टैगोर कहने लगे उसको कि तू इसको सूंघ, ये जो श्रम बंधु हैं, तेरी जो अगर की बत्तियाँ तू इतने साल से जला रहा है उससे ज़्यादा सुगंधी इसमें मिलेगी, क्योंकि ये मानवता को देख रही है, मानवता उस बच्चे के अंदर इसे दिव्य दिखाई दे रही है कि ये भगवान का स्वरूप है, इसे मैं पालूंगी और उसके लिए इतनी मेहनत कर रही है। तो इस तरह की बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। लेकिन जो लोग दुनिया से भागना पलायनवादी थे उनको टैगोर ने बड़ी झाड़ बताई है। टैगोर के दर्शन में पलायनवाद नहीं है कहीं भी, संसार के अंदर ही रहो और इस संसार के अंदर जो दुख भी आ रहे हैं तो उनको सहन करो। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी कविता उसके लिए लिखी कि एक आदमी धूप में, गर्मी का महीना है और धूप के अंदर अपने घोड़े को ले जा रहा है सैर कराने के लिए। घोड़ा थक गया है और थक करके उसको पानी की आवश्यकता पड़ रही है घोड़े की। तो वो सोच रहा है कि कहाँ पानी मिलेगा। तो दूर से उसको आवाज़ आती है, वो गाँवों में रेहड़ चलते हैं, चूँ चूँ, उसमें पानी बाल्टियाँ निकलती हैं, उसमें पानी निकलता रहता है। तो घोड़े वाले को लगा कि यहाँ कहीं रेहड़ चल रहा है, मैं घोड़ा वहाँ ले जाऊँ। वो अपने घोड़े को वहाँ ले जाता है और जाकर के घोड़े को पहले दूर खड़ा कर देता है। उसके बाद उसके आता है, भैया ये जो पानी तुम निकाल रहे हो, इस पानी को क्या हम भी पी सकते हैं? उसने कहा हाँ भैया, ये तो खेत में जा रहा है पानी, तुम पी लोगे तब भी खेत में, बाकी बचा हुआ खेत में चला जाएगा, ये कोई मैंने जमा करने के लिए थोड़ी रखा हुआ, आ जाओ पी लो जितना पानी पी सकते हो, बाकी खेत में चला जाएगा। तो वो आदमी जो था बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने कहा कि अच्छा देखो कितना उदार है, गर्मी के अंदर धूप में मुझे पानी पिलाने को कह रहा है, इतनी मेहनत से निकाल। लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, ये तो पानी तो वो अपने घोड़े को जैसे ही लाया तो घोड़ा भिदक गया और भिदक करके घोड़ा भाग गया। वो फिर लाया तो वो घोड़ा बार बार भाग जाता था। तो वो आदमी आया, उन्होंने कहा भैया ये जो तुम रेहड़ चला रहे हो ना, इसकी चूँचू से डर के मेरा घोड़ा भाग जाता है, तो थोड़ी देर के लिए अगर ये रेहट बंद कर दो तो मेरा घोड़ा यहाँ आकर के पानी पी लेगा। उसने कहा अरे तू अकलमंद आदमी, बुद्धू आदमी है, ये रेहट जब तक चलता रहेगा तभी तक तो पानी निकलेगा कुएं से, और ये रेहट चलेगा तो चूँचू की आवाज़ आएगी। जो संसार की चूँचू को सहन नहीं कर सकता वो तृप्त नहीं हो सकता दुनिया के अंदर, उसकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिल सकती। हिमालय में भाग जाएगा, वहाँ भी हिमालय के अंदर भाग करके भी उसको, इस संसार की चूँचों को सहन करने की शक्ति प्राप्त करो, यही दिव्यता है, यही तपस्या है सबसे बड़ी। और इस तपस्या में क्या होगा, अगर घोड़े को पानी पिलाना है तो टैगोर ने अंत में निष्कर्ष निकाला, यदि घोड़े को पानी पिलाना है तो रेहट की चूँचों सहन करनी ही पड़ेगी। तो ऐसी उन्होंने फिलॉसफी जो है कहाँ से सीखी, ये मानवतावाद जो वहाँ से लाए। मानव को इस संसार के अंदर प्रसन्नता रखनी है तो मानव को मानव की पूजा करनी चाहिए, मानव का जो चेतन ब्रह्म है उसके अंदर दूध चढ़ाना चाहिए। मानव जो है छोटा, जो बड़ा होकर के उसने बड़ा बनना है, उसकी सेवा के लिए जो श्रम कर रही है उसके श्रम के अंदर कितनी सुगंधी है वो देखो। तो मानवता का प्रभाव उन्होंने ग्रहण किया वहाँ से, और अपनी कविताएं जब उनका हर लोगों के सामने रखी कि हम तो मानवता की बातें कर रहे थे, लेकिन इसकी सारी जो टैगोर की कविता है उस कविता में तो बिल्कुल मानवता का सारा, मानव कितना ऊंचा प्राणी है, मानव का कितनी श्रेष्ठता है, ना मानुषात श्रेष्ठतम ही किंचितः, मानव से ऊंची, मानवता से चीज ऊंची चीज तो दुनिया में है ही नहीं। तो ये सारा मानववाद भी उन्होंने वहाँ से लेकर के आए। उसके साथ साथ चूँकि ये ब्रह्म समाज को मानते थे और ब्रह्म समाजी जो थे ये कहते थे कि एक ही ईश्वर है संसार के अंदर,
वही मुसलमानों का ईश्वर है, वही ईसाइयों का ईश्वर है, वही हिंदुओं का ईश्वर है, वही सिखों का ईश्वर है, ये सारे के सारे अलग अलग ईश्वर नहीं हैं। तो इसलिए सबसे जो ईश्वर की कृतियाँ हैं उन सबसे प्रेम करना सीखो, ये बंधन तोड़ दो कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सारा। तो टैगोर जो थे जब इस भावना को लेकर के आए तो उन्होंने ईसाइयों को भी अपने साथ में लाना शुरू किया, बहुत सारे ईसाई उनसे प्रभावित होकर आ गया। तो जहाँ ईसाई उनसे प्रभावित हुए ईसाइयों की भावना से कि ये तो हमारी बात कह रहा है, हमारे ईसा मसीह ने जो बात कही थी अपने चेलों को कहा था जब स्वर्ग से लौट कर के आए थे, उनके चेलों ने कहा था कि आप स्वर्ग से क्या संदेश लेकर के आए हो, तो उन्होंने कहा हम स्वर्ग से एक संदेश लेकर आए हैं। क्या लेकर के आए हैं? गो एंड सर्व ह्यूमैनिटी थ्रू एजुकेशन एंड मेडिसिन। यू शैल बी आस्क्ड ओनली टू क्वेश्चंस, हाउ मैनी यू रिलीव्ड फ्रॉम द इग्नोरेंस। उन्होंने कहा कि क्रिश्चियनिटी कहने लगी कि टैगोर जी तुम जो आप बात कर रहे हो सारी की सारी कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, यही पुण्य है, तो कहते यही हमारी ईसाइयत कहती है। तो टैगोर ईसाइयत के संबंध में भी आ गए, तुम्हारी ईसाइयत क्या कहती है? उन्होंने कहा हमारी ईसाइयत ये कहती है कि भगवान आपसे जाओ और मानवता की सेवा करो, दो चीज़ें ले जा करके, शिक्षा, एक हाथ में किताब ले जाओ और एक हाथ में दवाई ले जाओ, मेडिसिन ले जाओ, स्कूल खोलो और छोटी छोटी डिस्पेंसरियाँ खोलो, यही तुम्हारा धर्म है। और जब इसको कम कर लोगे तो वहाँ भगवान के यहाँ दो प्रश्न किए जाएंगे, कितने लोगों को तुमने अज्ञान से मुक्ति दिलाई और कितने लोगों का तुमने दुख हरण किया। और कहते अगर तुम इन दो प्रश्नों का उत्तर दे दोगे तो स्वर्ग के दरवाजे अपने आप तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। तो टैगोर ने कहा कि यही बात तो मैं कह रहा हूँ दुनिया को, हमारे और तुम्हारे अंदर अंतर क्या है? ईसाइयों में हम हैं, तो ईसाई की ईसाइयों की टीचिंग से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए।